वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर वीडियो एंड वेलकम टू द सेकेंड स्टैंडर्ड क्लास। तो हम आज जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं तो उसका नाम है मैथमेटिक्स। आवर सब्जेक्ट नेम इज द मैथमेटिक्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करने वाले। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी कम्प्लीटेड। ओके, तो आपका जो लेसन है वो कम्प्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से। काउंटिंग इन ग्रुप्स, जो टीचर थे उन्होंने वो लेसन कम्प्लीट कर दिया है, काउंटिंग इन ग्रुप्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चन लेने वाले और उसके आंसर्स सॉल्व करने वाले ऑन द वर्क बुक। ओके, इन योर वर्क बुक। सो तो आपको क्या करना है, तो फर्स्टली यू हैव टू ओपन योर वर्क बुक। फर्स्टली यू हैव टू ओपन योर वर्क बुक। So I will tell you a page number. Page number is the 6. Look here. So you have to open the page number 6. तो आपको आपके books में page number 6 open करना है. Okay, this is your workbook. ये आपका workbook है. So you open your page number 6 in your workbook. So today we are taking first question on the second number lesson, counting in groups. तो आपके लेसन का जो नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स, तो ये आपका बुक्स में हो चुका है। सो हम अभी वर्कबुक का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सी इन योर वर्कबुक। ओके, और मेरे साथ साथ ही आपको वहां पे आंसर भी लिखने हैं। ओके, सो फर्स्टली यू नो द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। यू नो द नंबर्स 1 to 100 नंबर्स क्या आपको मालूम है? यस, इन द प्रीवियस क्लास, that means in the first standard or in UKG, you already learn these numbers from 1 to 100. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and up to 100. Ye numbers aap sabko maloom hai. Okay, so I hope you understand or learn this number in the previous standard. Toh main samajh leta hu ki aapko wo numbers maloom hai. And then we solve this question. Okay, so the first question is here. I will write the first question here. See in your workbook and write the answer. मेरे साथ ही answer write करने आपको. Okay? Write the numbers between. The first question is the write the numbers between. You know the numbers. Numbers मालूम है. What is mean by between? So between that means बीच वाले. Okay? Between that means बीच वाले numbers write करने. यहाँ पे दो दो numbers दे. देखो here are the two numbers is given here. ओके, टू नंबर्स एंड वी हैव टू राइट द नंबर्स बिटवीन। बिटवीन मतलब उनके बीच वाले नंबर्स हमें राइट करने। ओके, तो पहला जो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन है, ओके, ए नंबर सी इन योर वर्कबुक और सी इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे पहले देखो, फिर आपके वर्कबुक में वो आंसर राइट करना। ओके, द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टू नंबर्स हियर इज गिवन 1 8 18 एंड सेकेंड इज द 2 3 23। These two numbers is given for, so we have to write the numbers in between 18 and 23. हमें 18 and 23 के बीच के नंबर राइट करने। Here are the four boxes. Okay, 1 2 3 4. So here are the four boxes. We have to fill these boxes. Okay, to write the numbers between 18 and 23. तो 18 23 के बीच के नंबर हमें इन बॉक्सेस में राइट करने। ओके, 1 by 1। तो एक पहला नंबर देखो 1823, तो 18 के बाद कौन सा नंबर आता है? पहले हमें वो नंबर राइट करना, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ऐसे 23 के और 18 के बीच वाले नंबर। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, सी हियर। ओके, लुक हियर, 18, व्हिच नंबर कम आफ्टर 18? यस, 1 9 19। 1 9 19, this is the first between number. Next number 19 after 2 0 20, correct? Then 2 1 21, next last number and last box number is the 22 2 2 22. These are the four numbers in between the 18 and 23. These are the four numbers, ये इन दोनों के बीच में आते। ओके, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट और सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट एग्जांपल्स टू राइट द नंबर्स बिटवीन। सो अगेन नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, टू नंबर इज गिवन अगेन हियर।
29, 29. Next 34, 34. So we have to write the numbers in between 29, 34 के बीच वाले. So 29 after which number came? Okay, 30, 30, 30. Correct. 29 after 30, 30, 30. Then 30 after which number came? Which number come? Tell me. 30 के बाद कौन सा नंबर आता है? सिंपल 31, 31. ओके देन 32, 32 एंड देन 33, 33. दीज आर द फोर नंबर्स इन बिटवीन 29 एंड 34. नेक्स्ट इज द 76. हियर आर द 7, हियर इज द 6, 76. And here 81, 81. So in write the numbers in between 76 and 81. 76, 76. After which number is come? 77, 77, 77. Then which number come? 78, 78. Then 80, 80. And last one after 80, 81. Okay. तो ये नंबर अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो 1 to 100 नंबर प्रॉपरली लर्न करने, आपके नोटबुक में राइट करने, समझ लेने. ओके, तभी थोड़ा सा आपको ये अंडरस्टैंड होगा और ये बहुत ही इजी और सिंपल है. ओके, सो 76 एंड 81 के बीच के नंबर ये चार होते हैं. एंड देन 57 एंड 62. Which is the number in between 57 and 62? So simple, 57 after 58, that means 58, 58. Then 59, 59. Then 60, 60. Then 61, 61. ये चार नंबर आते हैं, 58, 59, 60, 61. ओके, देखो यहां से देखो 57, 58, 59, 60, 61 और लास्ट में 62 आता है. ओके, नेक्स्ट ई नंबर 89, 89, 89 एंड 94, 94. राइट द नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स. ओके, लेट्स सॉल्व. 89 आफ्टर 90, करेक्ट. देन 91, 91. देन 92, 92. Then 93, 93. Okay. Next, last question. We have to write number between 68 and 73. We have to write the numbers between. Between मतलब बीच वाले, ये तो मालूम है. So 68 after 69. Then 70, 70. Then 71, 71. And then 72, 72. These are the numbers. So our question is completed here. Very easy and simple question is this. Very simple question था. यहाँ पे हमें सिर्फ बीच वाले numbers write करने थे. यहाँ पे दो-दो numbers दिए थे, उनके बीच वाले numbers write करने थे. Okay, it's very simple question. So you have to write this answer in your workbook. Write this answer in your workbook and also write this answer question and answer in your notebook. तो आपको ये answer workbook में भी write करना है, notebook में भी write करना है. Okay, and for your homework, मैं आपको आज थोड़ा सा homework देने वाला हूँ, वो भी आपको complete करना है. You have to write the numbers from 1 to 100 in your notebook. Okay, write the numbers from 1 to 100 in your notebook. Okay, complete this homework. Okay, I will check your homework. तो आपको आपका homework complete करके उसका photo निकाल के WhatsApp group में डालना है. I will check this homework. Okay, so if you have any doubt or any problem in this question or in the mathematics, okay, so then ask me and message me. Okay, or call me. तो आपको पूछना है, क्लियर कर लेना है वो डाउट्स. ओके, और ये अच्छे से समझ लेना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो हमने आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है और वो प्रॉपरली आपको करेक्ट करना है.
तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नंबर्स के नाम राइट करना सीखने वाले। और नंबर्स के नाम मतलब ऐसे नंबर्स दिए होंगे तो उसका हमें वर्ड्स में राइट करना है। सो दिस विल वो तो हम लेने वाले हैं। दिस टॉपिक विल टेकन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टुडे वी स्टॉप हियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।